अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे अज़ीज़ तुलबाओ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रबिशराली सदरी वयसली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रबी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, आप जानते हैं ना मद किसे कहते हैं? ये रहा हमारा मद। अलिफ़ के ऊपर हम क्या करेंगे, मद लगाएंगे, तो इसकी आवाज़ कैसी होगी बच्चों? अलिफ़ मद आ की होगी। तो उसी तरह से हमने मद वाले अल्फाज लिखे थे और पढ़े थे, ठीक है बच्चों? क्या पढ़े थे? अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा जी माज, अलिफ मदा बे आब, अलिफ मद आ खाफ रे ई आखरी, अलिफ मद आ रे अलिफ मिमराम आराम, अलिफ मद आ दल अलिफ बेदाब आदाब, अलिफ मद आ सिन आस, अलिफ मद आ नून आन, अलिफ मद आ सिन आस मिम अलिफ नून मान आसमान। इस तरह से हम अलिफ मद आ पढ़े थे। तो बच्चों, ये नहीं भूलना है, मद वाले अल्फाज है ये, ठीक है बच्चों? तो हम आज पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे हम? से हुरफी अल्फाज। से हुरफी अल्फाज यानी बच्चों, तीन हुरफी अल्फाज को कहते हैं, ठीक है? किसे कहते हैं? तीन हुरफी अल्फाज को से हुरफी अल्फाज कहते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? ताज है, ठीक है? ताज, ते, अलीफ की आवाज़ आ रही, त आ ज, ताज, ठीक है? तो ज यानि जीम, ठीक है? ते अलीफ जीम ताज। तो बताएं बच्चों, ते का जूज़ हमारे पास है या नहीं है? है। तो ते की आदि शक्ल बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, है ना? तो यहाँ पर देखें, ते की आदि शक्ल, ठीक है? ते, ते क्या अलीफ से जुड़ेगा बच्चों? जुड़ेगा ना, क्योंकि उसका जुज़ रहने से वो अलिफ से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, ते से अलिफ को जोड़ दिए, ते अलिफ ता हुआ ना, ते की आवाज़ और अलिफ की आवाज़, ते अलिफ ता अ त अ ता। अलिफ कहाँ पर जा रहा बच्चों? ऊपर की जानिब जा रहा है। तो अलिफ की शक्ल चेंज हुई? नहीं हुई। क्यों? अलिफ का जुज़ हमारे पास नहीं है। वो कौन से हुरफ है बच्चों जिसका जुज़ नहीं है? शरारती हुर्फ आपको मालूम है ना बच्चों? वो कौन से शरारती हुर्फ है जिनके जुज़ नहीं है? अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे जे वाव, ये शरारती हुर्फ है। ये दूसरे वाले हुर्फ से नहीं जुड़ते, क्योंकि इनका जुज़ नहीं है, इनकी मुख्तसर शक्लें नहीं हैं। तो बच्चों याद रखेंगे आप, ठीक है? तो ते का जुज़ रहने से वो अलिफ से जुड़ गया। अलिफ कहाँ पर गया बच्चों? ऊपर की जानिब चला गया। ते अलिफ ता जीम, जीम एज इट इज़ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका जुज़ नहीं है, अलिफ का जुज़ नहीं है, अलिफ बीच में आ गया। अलिफ जैसे ही ते है ना आते की आदि शक्ल हो गई, उसी तरह अलिफ की भी आदि शक्ल होना चाहिए ना, क्योंकि ये बीच में आया है। लेकिन नहीं, इसकी शक्ल नहीं रहने से वो एज इट इज़ रह गया है ना, इससे जुड़ा वो जिम से नहीं जुड़ा। तो लास्ट वाला वर्ड तो एज इट इज़ रहेगा ना बच्चों। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तीन हुरफी अल्फाज पढ़ रहे हैं। ते अलिफ ता जिम ताज सीन रे काफ सड़क, दिख रही है आपको सड़क कैसी अच्छी है? सड़क है ना, कितनी मस्त डामर डाले हुआ है ना, यहाँ पर कितने अच्छे ग्रीन ग्रास भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों सीन रे काफ सड़क, सीन का जुज़ है इसीलिए वो रे से जुड़ गया। सीन की आदि शक्ल को आदि शक्ल है रे, रे से जुड़ गया। क्या रे काफ से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका जुज़ नहीं है, ये क्या है? शरारती हुर्फ है रे। देखे यहाँ पर सीन का जुज़ सीन से रे को जोड़ दिए, लेकिन रे का जुज़ नहीं रहने से वो काफ से नहीं जुड़ा। तो लास्ट वाला वर्ड कैसा है बच्चों? एज इट इज़ है। सीन रे काफ सड़क मीम वाव रे मोर, देखें कितना प्यारा है मोर, है ना बच्चों? आप भी देखे होंगे जंगल में, कभी आप सफ़र करे होंगे उस टाइम आप देखे होंगे कि जंगल में कितने प्यारे प्यारे मोर होते हैं। ज़्यादातर हमें सुबह के वक्त नज़र आते हैं या फिर शाम में नज़र आते हैं, ठीक है बच्चों? मीम वाव रे मोर,
मीम की शक्ल रहने से वो वाव से जुड़ गया, वाव का जुज़ नहीं रहने से वो रे से नहीं जुड़ा, लेकिन लास्ट वाला वर्ड एज इट इज़ रहेगा बच्चों, ठीक है। मीम वाव रे मोर, शीन अलीफ, खै शाख। क्या बच्चों आपको शाख पर चढ़ना आता है, आम के झाड़ पर या फिर कोई ऐसे झाड़ पर आप चढ़े हैं? नहीं चढ़े, चढ़े होंगे शायद, है ना। तो चले यहाँ पर देखें, तो थोड़ा सा जो झाड़ का थोड़ा सा जो हिस्सा रहता है ना उसको क्या कहते हैं, शाख कहते हैं, ठीक है। शीन अलीफ खै शाख, शीन का जुज़ रहने से वो अलीफ से जुड़ गया, ठीक है। अलीफ शीन का जुज़ रहने से वो क्या हुआ, अलीफ से जुड़ गया, शीन अलीफ शाह खै शाख। तो ये रहा हमारा तीन हरफी अल्फाज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आज क्या लिखेंगे बच्चों, देखें क्या लिखेंगे आप रेड लाइन पर, जिस तरह से हमने अलिफ़े ममदूदा अलिफ मद आ लिखा था उसी तरह से आप रेड लाइन पर क्या लिखेंगे, बेजोड़ तीन हरफी अल्फाज। क्या लिखेंगे, बेजोड़ तीन हरफी अल्फाज। तो बच्चों बेजोड़ तीन हरफी अल्फाज में कौन कौन से अल्फाज मौजूद हैं हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। अलिफ दाल बे अदब, अलिफ दाल बे अदब, दाल वाव रे डोर, रे अलिफ जिम राज, अलिफ वाव रे और, दाल रे दाल दर्द, दाल अलिफ मिम दाम। दाल अलिफ की आवाज़ हम निकालिए, दाल अलिफ दा होता, मीम को हम क्या करेंगे मुख्तसर पढ़ेंगे बोल के रोक देंगे, है ना। दाल अलिफ दा दाम, ठीक है। दाल अलिफ मीम दाम, ठीक है। दाल रे दर बोल के हम इसकी आवाज़ निकालेंगे, द र दर, है ना। तो दाल को क्या पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे इसको मुख्तसर आवाज़ निकालेंगे हम, दाल को दबा देंगे, है ना। दाल क्या करेंगे दब जाएगा, दाल रे दाल दर्द, दब गया तो दाल रे दाल दर्द। अलिफ व अ हुआ, अलिफ व क्या हुआ अ, रे की आवाज़ निकालना है, रे की आवाज़ को क्या करना है मुख्तसर पढ़ना है, अलिफ व रे और र रोक दी, है ना। रे अलिफ रा हो गया, है ना बच्चों। आपको दो हरफी अल्फाज की आवाज़ तो निकालने आता है ना, जैसे कि रे बे रब, दाल बे दब, रेसिन रस, दाल वाउ दो, उसी तरह से ये भी किस तरह है, कैसा है, रे अलिफ रा हो गया, दो हरफ की आवाज़ हम निकाले, लास्ट वाले हरफ को क्या करना है दबा देना है, ठीक है। रे अलिफ जिम राज दबा दिए, दिखे, दाल वाउ डो, रे को दबा दिए डोर, अलिफ दाल अद ब अदब, ठीक है। इस तरह से बेजोड़ तीन हरफी अल्फाज है। बेजोड़ क्यों है बच्चों, अलिफ का जुज़ नहीं है वो दाल से नहीं जुड़ा, दाल का जुज़ नहीं रहने से वो बे से नहीं जुड़ा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट वाला वर्ड तो एज इट इज़ रहेगा, है ना बच्चों। दाल, दाल का जुज़ नहीं रहने से वो उसे नहीं जुड़ा, वाव का जुज़ नहीं रहने से वो रे से नहीं जुड़ा, ठीक है बच्चों। रे का जुज़ नहीं रहने से वो अलिफ से नहीं जुड़ा, अलिफ का जुज़ नहीं रहने से वो जीम से नहीं जुड़ा। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, तीन हरफी अल्फाज है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जोरदार तीन हरफी अल्फाज। तो आपकी रेड लाइन पर आप क्या करेंगे, बेजोड़ तीन हरफी अल्फाज इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जोरदार तीन हरफी अल्फाज इस तरह से लिखेंगे। आज की डेट डालें, आज क्या दिन है वो डालें, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है वो डालें, क्लास वर्क आप कितने टाइम लिखेंगे बच्चों, टू टाइम्स लिखेंगे। ईच वन कितने टाइम लिखेंगे आप, टू टाइम। तो सीन, सीन का जुज रहने से वो ये से जुड़ गया, ये का जुज रहने से वो बे से जुड़ गया, सीन ये बे सेब। लास्ट वाला वर्ड तो हमको कैसा रहेगा बच्चों, जू का तू रहेगा, ठीक है बच्चों। चाहे इसका जुज रहने दो या फिर इसका जुज नहीं रहने दो, लास्ट वाला वर्ड कैसा रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तीन हरफी अल्फाज में लास्ट वाला वर्ड एज इट इज़ रहेगा, चार हरफी अल्फाज में तीन है सो छोटे छोटे आएंगे, मुख्तसर शक्लें आएंगे, लास्ट वाला वर्ड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। काफ ते बे कतब, काफ ते बे कतब, सीन ये बे सेब, सीन ये बे सेब, काफ ते बे कतब, चीम वाउ रे चोर, चिम का जुज़ रहने से वाव से जुड़ गया, वाव का जुज़ नहीं रहने से वो रे से नहीं जुड़ेगा, चिम वाव रे चोर, नीम वाव रे मोर, काफ अलीफ रे कार, हे अलीफ लाम हाल, ठीक है बच्चों। तो ये रहा तीन हरफी अल्फाज, अलीफ दाल बे अदब,
डाल वाओ रे डोर, रे अलिफ जिमराज, अलिफ वाओ रे और, दाल रे दाल दर्द, दाल अलिफ मीम दाम, सीन ये से दो आवाज़ निकालिए, लास्ट वाले वर्ड को क्या करें हम दबा दिए है ना, सीन ये बे सेब दबा दिए, काफ ते कत है ना, ब कतब, चीम वो चो, रे को दबा दिए चोर, मीम वो मो, रे को दबा दिए मोर, काफ अलिफ का होता ना, काफ अलिफ का, र कार, हलिफ हा, लाम हल, ल है ना। तो इसको हम क्या करें, लास्ट वाले वर्ड को मुख्तसर आवाज़ निकाले, इसको क्या करें हम दबा दिए है ना, सीन ये बे सेब, काफ ते बे कतब, चीम वाओ रे चोर, मीम वाओ रे मोर, काफ अलिफ रे कार, हे अलिफ लाम हाल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जज़ाकल्लाहु खैर।